जितने पेट के रोगी हैं सारे पेट के रोग चले जाएं। सिस्टर का नाम मंजीत कौर है और ये अमृतसर प्रतापपुर गांव के रहने वाले हैं और इनकी बहुत बड़ी गवाही है और जे सिस्टर के जीवन की गवाही जी है। जब बता रहे कि 20 साल हो गए जब भी गर्मियों का मौसम शुरू होता था 20 साल से उस समय इनको लूज मोशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी गर्मियों के दिनों में और 20 साल हो चुके थे इस प्रॉब्लम के कारण जे काफ़ी परेशान थे और जब बता रहे कि जब भी जो कुछ खाते थे उसी समय इनको टॉयलेट जाना पड़ता था और इस डर के कारण जी सिस्टर रात के समय भी खाना नहीं थे खाते और जी दिन में भी बहुत कम खाना खाते थे और बहुत हल्का खाना खाते थे और इसके बावजूद भी जी कि हल्का खाना खाते थे फिर भी इनको बहुत बार टॉयलेट जाना पड़ता था और जी बहुत ही परेशान हो चुके थे। और जी सिस्टर बता रहे हैं कि जब बताते हैं कि आज से 13 साल पहले किसी ने इनको प्रभु का शुभ समाचार दिया और फिर जी सिस्टर ने चर्च जाना शुरू किया और जब बता रही कि इनको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा फिर इन्होंने वो भी चर्च चेंज की और इन्होंने 4 चर्च अलग अलग चेंज की और पहले एक फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी इन्होंने 4 चर्च बदली और जब बता रही कि जो चर्च जा रहे थे और जैसे जो अपनी प्रॉब्लम भी बताते थे और इन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने जो प्रॉब्लम भी बताते थे अपने चर्च में जाकर तो इनको कहते थे कि आप विश्वास करो प्रभु करेंगे और जे भी विश्वास कर कौन कहते थे विश्वास करो जब जे चर्च जाते थे तो जब बता रहे कि जो प्रभु के दास थे वहाँ जो इनको सिखाते थे वो कहते थे कि विश्वास करो प्रभु करेंगे और पर जे बता रहे कि जे भी विश्वास कर रहे थे कि प्रभु करेंगे पर हो नहीं रहा था और जिसके कारण जे बहुत परेशान हो चुके थे और इनके मन में जो विश्वास भी नहीं बनता था और जे बता रहे कि फिर जिन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खाई अलग अलग जगह से इन्होंने मेडिसिन खाई जब बता रहे कि अमृतसर से बहुत जगह से इन्होंने मेडिसिन खाई जैसे कि जे बता रहे कि हकीमा वाला चौक टपाई रोड चुपार रोड प्रतापपुर और भी कई जगह पर इन्होंने मेडिसिन खाई पर जे बता रहे कि फिर भी इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और जे बहुत परेशान हो चुके थे इतनी मेडिसिन खा रहे थे और इस प्रॉब्लम के कारण जे बता रहे कि जे कहीं भी आ नहीं सकते जा नहीं सकते थे गर्मी रहते थे और जे बहुत परेशान हो चुके थे। फिर जे बता रहे कि इनको किसी ने गुड न्यूज दी और जैसे जे फर्स्ट टाइम ये हॉशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में आए और जे बता रहे कि इनकी पर्सनल इन्होंने प्रभु के दास के साथ मंडे की मीटिंग की और जैसे ही प्रभु के दास ने इनको सबसे पहले विश्वास के नियम के बारे में बताया विश्वास की डेफिनेशन क्या है और विश्वास करना कैसे और जैसे इनको उत्साहित किया गया और जे पॉजिटिव प्रेयर में बने रहे और जे लगातार मीटिंग्स में आ रहे थे और जैसे जे सिस्टर 17 जुलाई की मीटिंग में आए और जे बता रहे कि जब प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु के दास के मुख से वर्ड्स आया कि जिनको पेट्स की प्रॉब्लम है आज वो आज़ाद होने वाले हैं और जैसे ही इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया था सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। तो जाएं जितने पेट के रोगी हैं सारे पेट के रोग चले जाएं। अगर आप रिसीव कर रहे हो अगर आप सीरियस हो रिसीव कर रहे हो आप हाथों को वाइब्रेट करके उछल रहे हो रिसीव कर रहे हो आत्मा से भर रहे हो तो मैंने कहा ये ब्लेसिंग ये आशीष आज आपकी है हर प्रकार की अगर ये आमीन आपका है। और जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और जो विश्वास में बने रहे धन्यवाद करते रहे और जो बता रहे कि आज ये बहन पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से फ्री हो चुके इनको कोई भी लूज मोशन की प्रॉब्लम है जे जब जे सिस्टर को जब बताते कि रात के समय जे खाना नहीं खा सकते डर के कारण 20 साल हो गए थे गर्मियों के समय में जे रात को खाना नहीं खाते थे और अभी जे बता रहे कि अभी रात को भी खाना खाते दिन में भी खाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है परमेश्वर ने पूरी तरह से इसके जो 20 साल की प्रॉब्लम थी उससे इनको फ्री किया है और जब बता रहे हैं कि आज इनको समझ भी आ रही है कि परमेश्वर का राज परमेश्वर की सच्चाई क्या है और जो बहुत ही खुश है कि परमेश्वर ने जो इनके जीवन में इतनी बड़ी जो गवाही को बनाया है और जो प्रभु के दास का और प्रभु का भी बहुत सारा धन्यवाद करते हैं।
हम सब जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे। और सुनो, आप बताओ थोड़ा सा इनके मुंह से सुनते हैं। 13 साल से आप प्रभु में थे, आप यहाँ पे आपको कितना टाइम हुआ अभी आते हैं? माइक करो भाई, क्या कर रहे हो आप? नहीं, प्रॉब्लम तो थी आपकी, है ना? जैसे आपने यहाँ पे आना शुरू किया, आप 13 साल से प्रभु पे विश्वास कर रहे थे, है ना? तो 13 साल में वो चीज, वो रोग, वो बीमारी गई नहीं, आप बीमारी गई नहीं, आपको ये समझ नहीं आया कि किस विश्वास से परमेश्वर चंगा करते हैं, जो कहाँ पे आकर आपने सीखा? हाँ, सच्चाई को, है ना? क्योंकि इन्होंने अच्छे से इस सच्चाई को समझा कि परमेश्वर का जो काम करने का तरीका है, सब लोग तो कहते हैं हाँ जी विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। कई लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं जी हाँ जी विश्वास करते हैं, बड़ा विश्वास करते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ, फिर बड़े विश्वास से तो बड़े बड़े काम होने चाहिए, फिर हो क्यों नहीं रही आपके? तो इसलिए जो विश्वास की डेफिनेशन है, बोलो क्या है, कैसे विश्वास करना है और परमेश्वर किस विश्वास से काम करते हैं, जब इन्होंने समझा और ये लगातार चाहत से, विश्वास से फिर ये आते रहे। जब भी मैं प्रार्थना करता था तो रिसीव करते थे, है ना? और अभी कौन सी ये डेट है जिस दिन उन्होंने इस हीलिंग को रिसीव किया? 17 जुलाई को। हाँ, देखो 17 जुलाई को उन्होंने उस हीलिंग वर्ड को रिसीव किया, जब खुदावन का रूह, उसका आत्मा मेरे मुंह से ये बोल रहा था कि पेट के सारे रोग आज क्या होंगे, खत्म होंगे। अगर आप सीरियस हो, अगर आज आपका आमीन है इस बात के लिए कि मेरे लिए हो चुका, इन्होंने उस दिन उस हीलिंग वर्ड को रिसीव किया। आज देखो कितने दिन हो गए, जो बंदा एक दिन भी बिना मेडिसिन खाए वो रहता नहीं था, और ये 20 साल से ये प्रॉब्लम थी, 20 साल से, बोलो क्या थी, 20 साल से ये इस बीमारी की मेडिसिन खा रहे थे और हील नहीं हो रहे, और 13 साल से प्रभु में विश्वास कर रहे थे फिर भी ये काम नहीं हो रहा था। अभी यहां पे आए हुए इन्हें कितना टाइम हुआ? सिर्फ डेढ़ महीना। और जो काम 20 साल में नहीं हुआ, 13 साल हो गए प्रभु में आए नहीं हुआ, जो काम खुदावंद ने 1.5 महीने में किया, किसके सच्चाई को समझने से, किसके वर्ड को, हाँ, किसके नियम को जानने से, आज आपकी तारीफ छोटी नहीं। मैंने कहा इस बड़े काम के लिए, बड़ी गवाही के लिए, जो बंदा 20 साल से यूज रहा था, चंगी हो गईया, जोर से अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर बोलो, तेरा पल्ला शुके चंगी हो गईया, यीशु जी तेरा पल्ला शुके चंगी हो गईया, तेरा पल्ला शुके पल्ला शुके पल्ला शुके पल्ला, तेरा पल्ला शुके पल्ला शुके पल्ला शुके पल्ला, यीशु जी तेरा पल्ला शुके चंगी हो गईया, यीशु जी तेरा पल्ला शुके चंगी हो गईया। आमीन।